तो जैसा कि इन पेंटिंग को जो भैया बना रहे हैं उनसे हम बात थोड़ा करते हैं, पूछते हैं। जय श्री राम भैया। जय श्री राम जी। क्या नाम रहा आपका? रवि कुमार। कहाँ से हैं आप? अमृतसर से। अमृतसर? हाँ, तो लेकिन मैं बेसिकली मैं चंडीगढ़ से पढ़ा लिखा हूँ, तो अभी मैं चंडीगढ़ में सेटल हूँ। जी, अच्छा। और आप ये जो कार्य कर रहे हैं, तो आप कितने दिन से ये कार्य कर रहे हैं? सर, ये एक पैनल नहीं है, हमारा बहुत सारा है। हाँ, ये तो धर्म पत्र काफी है, बट तो जो सभी कार्य किया गया आप ही किए हैं? नहीं, सारे नहीं है। हाँ। ये अलग अलग मटेरियल है। हाँ। जो अलग अलग लोग मतलब कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग सभी को मिला है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के अलग हैं और टेराकोटा के अलग हैं, फाइबर के अलग हैं जी। सो ऐसे ऐसे सभी को मिला। जैसे ये हो गया, मोज़ेक हो गया जी। मोज़ेक आर्ट होती है एक, वो अलग हैं। चिप्स आर्ट होती है, वो अलग है। सो मतलब यहाँ काफ़ी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं। मतलब ये जो ठेका दिया गया टेंडर, एक कंपनी को नहीं दिया, कई कंपनी? एक कंपनी को नहीं दिया गया। एक कंपनी कंप्लीट नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि यहाँ से लेके एंट्रेंस से लेके आप पूरा लास्ट तक लता मंगेशकर चौक। हाँ, लता मंगेशकर चौक तक आगे पीछे। हाँ, दोनों हैं। हाँ, दोनों तरफ पेंट। हाँ, नहीं अभी तो एक तरफ हो गया है, पीछे भी नहीं हुआ है। पीछे भी चल रहा है। लेकिन पीछे करने का क्या मतलब निकलेगा? इधर से पाथ तैयार होगा जिसपे लोग जाएंगे, तो देखते हुए, हाँ देखते हुए लोग जाएंगे। जो इस वाले पास से चलेंगे वो इधर को देखते हुए जाएंगे, जिसका जैसा इंटरेस्ट है। लेकिन पीछे तो एरिया बचा नहीं है ना पथ बनाने के लिए? नहीं है एरिया, लोग घर बनाए, अपना घर बना चुके हैं लोग। घर नहीं है, वॉशरूम है। अच्छा, ये वॉशरूम है, तो जो वॉशरूम जाएंगे वो एग्जैक्टली उनकी निगाह तो पड़ेगी। आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से इस पेंटिंग को बनाया जाता है, कैसे पेंट किया जाता है? ये सर पहले ये क्ले मॉडलिंग होती है जी, जी। क्ले में बनाया जाता है जी। फिर इसको इसका डाई निकाला जाता है पीओपी में जी, जी। डाई निकाल के फिर इसकी कास्टिंग होती है फाइबर में जी। फाइबर लिक्विड आता है जी, जी। जो कि उसको हम बोलते हैं क्या नाम है, कोबाल्ट और हार्डनर मिला जी, के जी, जी। उस लिक्विड में मिला के उसको हार्ड किया जाता है, फिर इसकी कास्टिंग होती है। फिर जब हम निकालते हैं तो पूरा तैयार होकर बाहर आ जाता है। ये इसका जो आर्किटेक्चर है प्रॉपर यहीं पे बनता है या कहीं और से बनकर आता है? ये हमारी फैक्ट्री से बन के आता है, मेरी फैक्ट्री। अच्छा, यहाँ पेंटिंग यहाँ पे होता है आकर? ये हम मेरी ही फैक्ट्री से बन के आ रहा है, हमारी फैक्ट्री से। हमारी फैक्ट्री का जो हमारा ब्रांड का नाम है RBN जी, RPN RBN जो है, जो ये है चंडीगढ़ में जी। और जो इनके फाउंडर हैं, जो इनके फाउंडर हैं उनका नाम है रॉबिन बिल्ला जी। हाँ, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो चंडीगढ़ से हैं। चंडीगढ़? हाँ, वो चंडीगढ़ से हैं। तो हमारा सारा आर्टवर्क जो है फैक्ट्री से आता है, तो यहाँ हम पेंट करते हैं बाद में। तो आपका ये काम अभी कितने दिन तक चलेगा? सर, आर्टवर्क में तो वैसे देखो टाइम हम बता नहीं सकते हैं कितना टाइम ले ले कोई चीज़ जी, जी। क्योंकि जो कला है इसमें जितना कहते हैं ना कि जैसे जितना टाइम देंगे, हाँ, आप उतना ही उतना वो निखर के बाहर आता है। वाई, ठीक है ना। सो और ये सब कलर कहाँ से आते हैं? ये सब कलर सर जो पेंट की दुकान होती है वहाँ से आते हैं, लेकिन कलर हमें खुद बनाना पड़ता है। लोकल से आते हैं कलर? हाँ, लोकल से आते हैं, जो पेंट की दुकान होती है हार्डवेयर वगैरह की वहाँ से लेके आते हैं, लेकिन जो कलर हमें स्कीम चाहिए वो मुझे खुद बनाना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे। हाँ जी, मिलावटें उसमें करनी पड़ती है। हाँ जी, मिलावटें करनी पड़ती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कलर बॉक्सेस में रखे हुए हैं, और भैया से हमने बात किया, अभी और बात करेंगे उनसे और जानकारियाँ लेंगे। तो अभी देखिए मिलावटें यहाँ पे किया जा रहा है, भैया यहाँ पे मिलावट कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं आप लोग किस तरह से, ये रेड कलर का पेंट है। हाँ जी। और ये व्हाइट है, व्हाइट में रेड अभी बन रहा है। तो क्या ये राम जी की बॉडी बन रही है जो थोड़ी हल्की सी मतलब पर्पल के कलर में है जी, लाइट पर्पल। उनके बॉडी पे इस कलर को लगाया जाएगा? लगाया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राम जी की बॉडी ये रही, तो यहाँ पे उनकी कलर में चार चांद लगाने के लिए पर्पल कलर का यूज किया जाएगा, जो की मिलावट वहाँ पे कर रहे हैं भैया लोग। और ये फाइनल मशीन रहा, इसी मशीन के द्वारा यहाँ पे पेंटिंग किया जाता है। और इसको कंप्रेसर बोलते हैं, प्रेस, इसको कंप्रेसर मशीन, यस जी। और ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर लाइटिंग लगाई गई है, जो कि अगर रात्रि में कोई देखेगा तो रात्रि में उस लाइटिंग की वजह से ये पेंटिंग और अच्छा खूबसूरत लगेंगी। तो आगे मैं चलता हूँ, आपको आगे और क्या क्या हो रहा वो भी दिखाऊंगा।